हेलो गाइज, आपके अपने चैनल इंडियन ट्रक एंड बस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपके लिए भाई देखो, हम गाड़ी लेकर आए हैं आइशर की प्रो 2110। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 10 टन वाली भाई गाड़ी रहती है, और मैं आपको बता दूँ 23 से लेकर 25 लाख के बीच में शुरू होने वाली 10 टन वाली ये गाड़ी। आपको 22 फुट ग्रेला के अंदर मैं दिखा रहा हूँ, और टायर साइज मैं उसमें दिखा देता हूँ भाइयों। 8-25 वाला टायर है भाइयों, ये देखो आप 8-25 वाले टायर में आ रही है भाइयों ये 2110 आइशर की ए सीरीज के साथ। आइशर और वोल्वो की यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ होकर आती है गाड़ी। आइशर की एजेंसी आया था तो सोचा क्यों ना इसका रिव्यू कर लिया जाए। प्रो 2110 11990 kg का, यहाँ पर 11990 kg का यहाँ पर GVW रहता है इस गाड़ी का। तो इंटीरियर सबसे पहले इंटीरियर में चढ़ेंगे और आपको एक्सटीरियर भी दिखा दूंगा। बॉडी भाई देख सकते हो 22 फुट लंबी गाड़ी है, और ये है भाइयों कैबिन विद चेसिस वाला वेरिएंट। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, इसमें प्राइसिंग वगैरह भी देखेंगे और कैसे आप आइशर से फुल लोन पर गाड़ी ले सकते हो, ये चीज़ें सारी जानकारी देंगे हम इसमें आपको वीडियो में। आइशर प्रो 2110 में आता है E474 इंजन, जो कि आइशर और वोल्वो के कोलैबोरेशन के अंदर आ रहा है। खास बात बता दूं भाई, इसमें 3 लीटर का इंजन आता है जो कि 140 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 400 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। गाड़ी के कुल ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करें तो 11990 kg का यहाँ पर GVW आता है, यानी 12 टन के अप्रोक्स की गाड़ी रहती है ये। और आपको टायर दिखा दूँ, 825R20 का यहाँ पर टायर आता है, अपोलो के टायर आते हैं भाइयों। और गाड़ी की लंबाई देख लो आप, इसको आप कैबिन विद चेसिस और हाई साइड डेक बॉडी के साथ ले सकते हो। यहाँ पर आइशर की खास बात यह है कि जैसे भारतवंज ने अपनी कंपनी बॉडी देनी बंद कर दी, लेकिन आइशर अब भी गो थ्रू कर रहा है, साथ की साथ सस्पेशियस इतना अच्छा और सुंदर कैबिन दे रहा है, आइशर की बात ही अलग है भाइयों। यहाँ पर फ्रंट में अगर हम बात करें तो फ्रंट लुक काफ़ी शानदार आ जाती है। यहाँ पर आ जाते हैं DRL हेडलैम्प, और यहाँ पर काफ़ी शानदार इंडिकेटर्स और पार्किंग लाइट्स वगैरह आ जाती हैं। आइशर का क्रोम में आ जाता है लिखा हुआ। उसके बाद बड़ी विंडशील्ड आती है और काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर गाड़ी आपको देती है, क्योंकि 250 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी का। और ई सीरीज़ के इंजन के साथ आती है, एम बूस्टर की टेक्नोलॉजी आती है, U-Tech 6 टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर आइशर और वोल्वो का इंजन आता है। आइशर और वोल्वो का 4 सिलेंडर इंजन आता है भाइयों। देखो आइशर का क्रोम में फिनिश में काफ़ी शानदार लिखा हुआ रहता है। यहीं पर प्रो 2110 की ब्रांडिंग आ जाती है। बात करें इसकी फ्रंट लुक की तो काफ़ी शानदार LED और काफ़ी सुंदर लुक देती है। बाहर के आइशर के जैसे वोल्वो के ट्रक आते हैं वैसी इसकी लुक आती है। आप इस गाड़ी को 17 फिट, 19 फिट, 20 फिट और 22 फिट के ऑप्शन बॉडी ऑप्शन के अंदर ले सकते हो। आप अपने बजट के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन जिस भी आप गुड्स पर गाड़ी चलाना चाहते हो उस हिसाब से गाड़ी ले सकते हो। मान लो आप साइकिल पार्ट पर गाड़ी चलाना चाहते हो तो लंबी से लंबी यानी 22 फुट गाड़ी अगर आप लोगे तो आपके लिए वो प्रॉफिटेबल रहेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप माल लेकर जा सकते हो। मेंटेनेंस फ्री तो रहती है भाइयों, क्योंकि इसका देख लो आप 60,000 किलोमीटर पर मेंटेनेंस इंटरवल है इस गाड़ी का। आइशर आपको वारंटी देती है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर ऑन व्हीकल और 4 साल अनलिमिटेड किलोमीटर और इंजन एंड गेयरबॉक्स। कंपनी फिटेड ही आपको स्टेयर्स मिल जाती है, जैसे ऊपर गाड़ी के चलना हो तरपाल के लिए उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। यहीं पर अगर मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, कोई भी इंजन में जाँच पड़ताल करनी हो उसके लिए आप इसको टिल्ट कर सकते हो, क्योंकि कंपनी यहाँ पर टिल्टेबल आपको कैबिन दे रही है आइशर का। क्योंकि अगर मान लो कोई जाँच पड़ताल करनी है इंजन में तो कैबिन को टिल्ट कर सकते हो आप। यहीं पर अगर बात करें तो दो प्रेशर टैंक कहता है, और उसके ऊपर ही यहाँ पर एक साइड की मेंटेनेंस फ्री बैटरी आ जाती है। बैटरी कट ऑफ स्विचेस भी यहीं पर मिल जाते हैं। यहीं पर आपको DEF टैंक मिल जाता है, क्योंकि BS6 एमिशन नॉर्म्स को फुलफिल करने वाली ये गाड़ी है। यहाँ पर पोल्यूशन फ्री गाड़ी बनाने के लिए इसमें DEF टैंक आ जाता है। यहीं पर अगर बात करें तो 190 लीटर से लेकर 400 लीटर तक का यहाँ पर आपको डीजल फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ टैंक मिल जाते हैं। आप अपने तरीके से, यानी आपको ज़्यादा लंबा चलना है तो 400 लीटर वाला भी आप टैंक ले सकते हो। यहीं पर अगर मैं दिखा दूँ पीछे में तो कार्गो बॉडी ऑप्शन आपको काफ़ी शानदार मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो मेरे रिलेटिव ने लिया था, उनको 1970 की ये गाड़ी पड़ी थी कैश में, और फाइनेंस करवाते करवाते 25 लाख तक ये गाड़ी पड़ जाती है। 8.25R 16 20 प्लाई रेटिंग का यहाँ पर टायर आता है। भाइयों पासिंग की बात कर दूँ तो 60.5 टन ये गाड़ी पास करती है ओवरऑल। यहीं पर देखो कितने सुंदर हेडलाइट्स और U-Tech 6 टेक्नोलॉजी की यहाँ पर ब्रांडिंग आएगी। आइशर का क्रोम में लोगो और आइशर की ही ब्रांडिंग आएगी। यहीं पर अगर बात करें हम तो 2 वाइपर ब्लेड्स आ जाते हैं भाइयों, काफ़ी शानदार बड़ी विंडशील्ड आ जाती है।
कार्गो बॉडी की बात करें तो ये आप देख रहे हो 22 फीट वाला वेरिएंट है। आप भी ये 22 फीट वाला वेरिएंट लीजिएगा या 20 फीट वाला, छोटी गाड़ियों का आजकल काम इतना है नहीं, मार्केट ही 22 और 20 फुट की है। यहाँ पर एयर इनटेक आ जाता है आइशर का, यहीं से गाड़ी सांस लेती है। और यहीं पर अगर हम बात करें तो एयर फिल्टर वगैरह यहाँ नीचे की तरफ, और ये EGR सिस्टम आ जाता है आफ्टर एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम, क्योंकि ये BS6 की गाड़ी है, यहाँ पर एयर फिल्टर आ जाता है। BS6 फेज 2 की गाड़ी आप देख रहे हो, इसका रीजन ये है कि इससे पोल्यूशन फ्री गाड़ी को बनाया जा रहा है। आइशर की जो बॉडी आती है काफ़ी शानदार आती है, और यहीं पर अगर हम बात करें शानदार इसलिए आती है क्योंकि जो इसकी बॉडी है ना काफ़ी अच्छे तरीके से रिपटिंग के साथ इसको कवर किया जाता है, चैसी के साथ जोड़े जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हैवी ब्रेक कूपे आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं आपके सेमी इलेप्टिकल लिप स्प्रिंग्स, और 8.25R20 प्लाई रेटिंग का यहाँ पर टायर आता है। नई गाड़ी में अपोलो के टायर लग के आते हैं आइशर की गाड़ी में, और कवरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मड फ्लैप्स देखो, आपको बॉडी वाले से मड फ्लैप्स लगाने की जरूरत नहीं है, बॉडी वालों से भी अच्छे मड फ्लैप्स आपको गाड़ी लगवा के देगी आइशर वाले, ये हिस्सा आ जाता है। यहीं पर बात करें सेमी इलेप्टिकल लेमिनेटेड लिप स्प्रिंग्स आ जाते हैं विद हेल्पर स्प्रिंग्स, काफ़ी शानदार है, पटे काफ़ी मजबूत हैं भाइयों गाड़ियों के। घाट सेक्शन के लिए मैं बोलूँ आइशर टॉप पर रहने वाली है, यहाँ पर स्पेयर व्हील आ जाता है सेंटर माउंटेड में, काफ़ी आसानी हो जाती है, ज़्यादा गाड़ी के नीचे घुसने की जरूरत नहीं है, काफ़ी आसानी से आप टायर को उतार और चढ़ा सकते हो। रियर में बात करूँ तो यहाँ पर आइशर की ब्रांडिंग आती है, ऐसा कार्गो लोड बॉडी ऑप्शन आपको मिल जाता है। आइशर की बॉडी लेने का फ़ायदा ये है भाइयों, क्योंकि काफ़ी शानदार बॉडी रहती है आइशर की, कोई मतलब कि सालों साल 10-11 साल बॉडी कहीं नहीं जाती आइशर की, अगर रखने वाला हो। यहाँ पर आप देख सकते हो LED बैक टेल लैम्प मिल जाते हैं, काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 4 जगह पर यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, बीप साउंड करेगी ये भी, और काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है अब आइशर की गाड़ियाँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल क्रॉस मेंबर्स के साथ यहाँ पर चैसी तैयार हुई है, चैसी क्रैकिंग की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मेन बात है LED टेल लैंप्स दे रही है भाइयों आइशर, 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से काफ़ी शानदार लुक में यहाँ पर आइशर की गाड़ियाँ आ रही हैं, जब से वोल्वो से टाई अप हुआ है, वोल्वो के पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, तब से आइशर की गाड़ियाँ शानदार आ रही है। मड फ्लैप्स आप देखो, कहीं से गुंजाइश नहीं है कि मिट्टी वगैरह ऊपर आएगी गाड़ी पोछ लेगी, आगे की तरफ भी देख लो चाहे पीछे की तरफ देख लो। जल्दी से इंटीरियर में चलते हैं, आइशर प्रो की 10 के हम इंटीरियर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, शानदार इंटीरियर रहता है भाइयों इसका, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। यहीं पर आपको मैं दिखा देता हूँ फ्रंट में, यहाँ पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ आइशर का आने वाला है आपका। यहाँ पर लाइट वगैरह चेंज होती रहती है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी शानदार रहता है भाइयों इसका। यहीं पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आ जाए ट्रिप से आप इसको सेट कर सकते हो, यहाँ पर प्रेशर बार आ जाता है, ये आ जाता है भाइयों आज की डेट आ रही है, यहाँ पर इसको किलोमीटर स्पीड आ जाती है भाइयों, यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर मशीन आ जाती है मीटर में, और यहीं पर आपका RPM मीटर आ जाता है। यहाँ पर बैटरी में आपको दिखा देता हूँ मैं, ये बैटरी है भाइयों, दोबारा आपको ऑन करके मैं दिखा देता हूँ, देखो ऐसी डिजिटल यहाँ पर स्क्रीन मिलती है आइशर में, और काफ़ी शानदार यहाँ पर इंटीरियर रहने वाला है। यहाँ पर आपको सनराइजर्स मिल जाते हैं, टिल्ट टेबल आपको यहाँ ऊपर डोर हैंडल मिल जाते हैं, देखो आप टिल्ट करके आप यहाँ पर गाड़ी को शीशे वगैरह ऊपर नीचे कर सकते हैं, और वॉक थ्रू आपको कैबिन मिल जाता है, पीछे डेक में नज़र मारने के लिए आपको यहाँ पर विंडो मिल जाती है, स्लाइडिंग मिरर मिल जाते हैं, और देखो ब्लाइंड स्पॉट्स जो रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया है यहाँ पर आइशर कंपनी ने, ये देखो कितने ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट है वहाँ पर, आपको पता लग जाएगा कि हाँ सिंगल पर्सन भी यानी कि बिना कनेक्टर के भी बंदा गाड़ी को आराम से हैंडल कर सकता है। यहाँ पर शानदार सा स्टेयरिंग व्हील आ जाता है, यहीं पर बात करें तो गेयरबॉक्स आ जाता है, आप देख सकते हो 6 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स आ रहा है, यहाँ पर 6 गियर आते हैं भाइयों इसमें, पहले 5 गियर वाली भी आ रही थी, 7 वाली भी आई थी। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल वाला सिस्टम भी इसमें रहने वाला है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये सेट कर सकते हो यहाँ से, इंडिकेटर वगैरह हाई लो बीम का भी ऑप्शन आ जाता है, यहीं पर आपको ब्लोअर और एसी वाला ऑप्शन आ जाता है, ये फैन का ऑप्शन है, यहीं पर 12 वोल्ट का आपका चार्जिंग सॉकेट करंट मिल जाता है। इको फ्रेंडली मोड और इको प्लस मोड पर आप गाड़ी को चला सकते हो, मतलब कि अपने हिसाब से चढ़ाई रहेगी तो आप इको मतलब प्लेन में चलोगे तो इको प्लस मोड आप लगाओगे तो काफ़ी शानदार एवरेज आपको गाड़ी देने वाली है। और इंटीरियर कुछ ऐसा है भाइयों, वॉक थ्रू कैबिन रहने वाला है, यहाँ पर अगर बात करें तो हैंड ब्रेक आ जाती है, ABS की बात करें तो फुल एयर ब्रेक आ जाती है। यहीं पर अगर क्लच डायमीटर की बात करें 330 mm का डायमीटर की यहाँ पर क्लच प्लेट के साथ क्लच आता है, यहीं पर आपका एक्सीलेटर का पैडल आ जाता है, काफ़ी शानदार रहती है भाइयों आइशर की गाड़ी, इंटीरियर काफ़ी शानदार है, कंफर्टेबल और काफ़ी सस्पेशियस सा कैबिन आ रहा है। बाकी आपको मैं स्टोरेज स्पेस दिखा देता हूँ एक बार।
स्पेस की बात करें देखो भाइयों, यहाँ पर भी आप स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, काफ़ी शानदार स्टोरेज स्पेस यहाँ पर रहने वाला है। एक पर्सन के लिए कैबिन सफिशिएंट है, बंदा आराम से सो सकता है, यहाँ तक सीट खोल के फोल्ड करके आराम से सोने की सुविधा है। यहीं पर आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर होल्डर यहाँ पर मिल जाता है, यहीं से आप कर सकते हो लॉक अनलॉक के लिए, यहाँ पर सिस्टम है दिया हुआ। स्टेयरिंग की बात करें तो भाइयों, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग सिस्टम आपको मिलता है आइशर में। 12 वोल्ट 130 एम्पियर की यहां पर आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है, यहां देख सकते हो आप चार्जिंग सॉकेट आपको यहां पर मिल जाता है। देखो और यहां पर ना आपकी कोई भी एक चीज बनाई है उन्होंने काफी शानदार, मान लो कोई भी ब्रेक वगैरह लगती है, कोई सामान वगैरह होता है, अदर गाड़ियों में क्या होता है आपका सामान वगैरह नीचे गिर सकता है, यहाँ पर स्लोप इस तरीके से दी है, अगर कोई सामान आप रखते हो यहाँ पर चढ़ाई में भी वो नीचे नहीं आएगा, कोई भी चीज अगर आप रखते हो तो वो ये चीज काफी शानदार रखी है आइशर ने। 7 KMPL की माइलेज देती है गाड़ी, 7.5 की भी दे सकती है, वो डिपेंड करता है कैसे रोड पर आप गाड़ी चला रहे हो। और फॉग लैंप्स भी आपको मिल जाते हैं और लोन वगैरह की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है, यानी कि सिंगल मोटर मार्केट मालिक अपना अगर काम शुरू करना चाहे तो नया काम अच्छे से शुरू कर सकता है आइशर की गाड़ी से, ज़्यादा बचत भी देगी और आसानी से आपका लोन भी हो जाएगा, आसानी से आप किस्त भी निकाल सकते हो, क्योंकि घाट सेक्शन या राजा बोला जाता है आइशर को और मंडी क्वीन के नाम से जानी जाती है आइशर। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ में आगे भी आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ये आइशर का मेरी सीरीज चल रही है जिसमें मैं आइशर के रिव्यू लेकर आ रहा हूँ। ऐसी वीडियो के लिए देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन।